डुमरी उपचुनाव में नामांकन का आखिरी दिन इंडिया की तरफ से बेबी देवी और एनडीए की तरफ से आजसू की यशोदा महतो के बीच मुकाबला होगा। बेबी देवी और एनडीए की प्रत्याशी यशोदा देवी ने अनुमंडल कार्यालय डुमरी पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इंडिया की प्रत्याशी बेबी देवी के साथ नामांकन के दौरान झामुमो विधायक मथुरा महतो, पूर्व विधायक जयमंगल सिंह, योगेंद्र महतो, सुदिव्य कुमार सोनू, सरफराज अहमद, माले विधायक विनोद सिंह अनुमंडल कार्यालय पहुंचे। वहीं एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी के साथ आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, पूर्व सांसद डॉक्टर रविंद्र राय, विधायक रणधीर सिंह, विधायक नारायण दास, डुमरी भाजपा नेता प्रदीप साहू नामांकन के दौरान पहुंचे। दो तस्वीरें, पहली तस्वीर आप देख पा रहे होंगे इंडिया उम्मीदवार बेबी देवी नामांकन करने के लिए पहुंची है, दूसरी तस्वीर एनडीए उम्मीदवार यशोदा देवी नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंची और पार्टी के तमाम लोग साथ में मौजूद हैं। डुमरी उपचुनाव का रण और कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है बेबी देवी और यशोदा देवी के बीच। फिलहाल देखिए नामांकन पत्र दाखिल कर दिया गया है, बेबी देवी ने भी नामांकन किया है जिसकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यशोदा देवी की तरफ से भी नामांकन पर्चा दाखिल किया गया है। पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे इस दौरान। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि आखिर यशोदा महतो कौन है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड उनका क्या कुछ है और इस बार जो कड़ी टक्कर यशोदा महतो और बेबी देवी के बीच देखने को मिल रहा है। हालांकि इंतजार करना होगा जनता किसे चुनती है। तो डुमरी उपचुनाव का ये रण, कड़ी टक्कर इस बार उपचुनाव में देखने को मिल रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता चंदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन देखिए पर्चा तो दाखिल कर दिया गया है और कड़ी टक्कर भी देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ इंडिया प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया है तो दूसरी तरफ एनडीए प्रत्याशी ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। डुमरी उपचुनाव के लिए आज नामांकन की आखिरी तारीख रही और आखिरी दिन ही कह सकते हैं कि मुख्य तौर पे एजेएसयू उम्मीदवार के तौर पे यशोदा देवी और जेएमएम प्रत्याशी के तौर पे बेबी देवी ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। और इसके साथ ही एक तरह से कहें तो नामांकन पर्चा के दौरान दोनों तरफ से इंडिया अलायंस हो या फिर एनडीए अलायंस, अपने अपने तरीके से एक शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की गई। इंडिया अलायंस की तरफ से जो घटक के मंत्री हैं सभी लोग वहाँ अपनी मौजूदगी दिखाने की कोशिश की, तो इसे समझा जा सकता है कि चुनावी जो मुकाबला है वो किस तरह से होने जा रहा है। और इस दौरान आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी खूब सुनाई देगी। 2024 से पहले चाहे वो इंडिया अलायंस के लोग हों या एनडीए के लोग हों, दोनों इसे एक सेमीफाइनल के तौर पे देख सकते हैं और ये मुकाबला बेहद ही दिलचस्प देखने को मिलेगा, क्योंकि जेएमएम उम्मीदवार के तौर पे इंडिया अलायंस की तरफ से मैदान में अगर कोई है तो मंत्री है, पहले ही मंत्री बना दिया गया है। मधुपुर मॉडल को सत्ताधारी दल ने सूबे की एक बार फिर से आजमाने की कोशिश की है, क्योंकि इनका मधुपुर मॉडल जो है वो टेस्टेड रहा था और उसी तरह से इस बार भी डुमरी उपचुनाव में उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। दूसरी तरफ एजेएसयू को बीजेपी का समर्थन है, यानी कि एनडीए की तरफ से एजेएसयू उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, तो मुकाबले को दिलचस्प बनाने की कोशिश भी होगी और कवायद भी होगी। हालांकि निर्णय डुमरी विधानसभा के जनता को करना है, जो 5 सितंबर के दिन वोटिंग होगा और उस दिन जो मतदाता है डुमरी की वो किसे अपना जनप्रतिनिधि बनाने का काम करते हैं, किन्हें अपना जनप्रतिनिधित्व का मौका देते हैं, ये तो 5 तारीख को जब वोटिंग होगी और उसके बाद जब नतीजे आएंगे तब तस्वीर सामने होगी। लेकिन 2024 से पहले दोनों तरफ के नेताओं के जोर आजमाइश दिखेंगे, चुनावी कसरत दिखेगा। बिल्कुल ठीक है चंदन, बने रहे हमारे साथ, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे।